गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो मैं लिंग की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रही थी, लास्ट वीडियो मैंने आपको पुरुष लिंग की विशेषताएं बताई थी। यानी कि ये कहने में ये शब्द बहुत ही सामान्य शब्द है, क्योंकि ये जो लिंग का डिफरेंस है दोनों में कि लिंग की विशेषताओं का जो हम शुरू से पढ़ते हुए हम देखते हैं कि हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हम इनके जेंडर्स चेंज करते हैं, तो हमें देखने में बहुत सामान्य शब्द है। लेकिन ये हमारी एक विषय का, जो आपकी ये पुस्तक है उसका एक आधार है, क्योंकि जो आपकी पुस्तक है वो यही है लिंग विद्यालय एवं समाज। वहाँ हम शिक्षा में जो लिंग की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि अगर हम देखें जहाँ हम ग्रामर में चेंज करना, जेंडर चेंज करना, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन पार्टिकुलर अगर हम देखें कि इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, सामान्य तौर पर हम समझा सकते हैं, लेकिन एक परिभाषा देना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी आपके आता है कि लिंग का अर्थ बताइए, लिंग की विशेषताएं बताइए, इसीलिए ये टॉपिक छोटा है। ये टॉपिक मैंने लिया आपके लिए, पुरुष लिंग का जो, पुरुष लिंग की जो विशेषताएं हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई कि पुरुष, यानी कि यहाँ हम विशेषता जानना चाह रहे हैं कि पार्टिकुलर जो ये वर्ड होता है पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, आखिरकार इस शब्द में ऐसे कौन कौन से गुण छिपे हुए होते हैं, ये हम इन विशेषताओं में इनका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट हमने देखते हैं कि पुरुष लिंग का, जो मैंने बताया था कि हम जो लिंग का, लिंग में जो हम अंतर करते हैं, लिंग की विशेषताओं की पहचान करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, वो मैंने बताया था कि हम इनकी विशेषताओं या इनके बारे में हमें पता, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, इसके आधार पर हम पहचान करते हैं कि ये पुरुष लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ये हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो ये दो तरीके के जो लिंग रहते हैं उनमें आपस में जो अंतर है उसे हम उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से, इससे हम उनकी पहचान करते हैं। तो यही मैं इस वीडियो में बताने जा रही थी कि पुरुष लिंग यानी पुरुष तो जिसके अंदर होता है उसके अंदर कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको हमारे स्त्री लिंग की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तीन तरीके के बताए थे मैंने, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग और उभयलिंग, जिसे थर्ड जेंडर कहते हैं। मेन हमारे जो दो है कि पुरुष लिंग और स्त्री लिंग, लास्ट में जो हमारे जेंडर थर्ड पर्सन है उनका हमारे समाज में क्या स्थान है, उनको हमने कितनी, उन्होंने हमारे समाज में उन्हें कितनी मान्यताएं प्रदान कर रखी है, उसका मैं एक अलग से आपका वर्णन करूंगी। इसीलिए मैं यहाँ आपके दो पुरुष और स्त्री लिंग की ही विशेषताओं का अध्ययन कर रही हूँ, क्योंकि उभय लिंग का जो है वो एक अलग से मैं पार्ट आपको करवाऊंगी कि थर्ड जेंडर है उनका हमारे समाज में क्या स्थान है, हमने, हमारे समाज ने उन्हें क्या स्थान प्रदान कर रखा है, इन सब का वर्णन हम अलग और नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं स्त्री लिंग की विशेषता, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, हम ये कहेंगे कि ये कोई विशेषता है, सबसे पहली विशेषता हम ये दे सकते हैं कि स्त्रियां ज्यादातर, बताया था कि इनके व्यवहार और रहन सहन से इनकी पहचान होती है, तो सबसे पहले हम ये चीज मानते हैं कि स्त्री का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, घर में रहना। हम मानते हैं आज के क्षेत्र में स्त्री भी पुरुष के बराबर बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वभाव की बात होती है जहां हम कहें कि पुरुष ये चाहते हैं कि वो बाहर घूमे, लेकिन स्त्री अगर अपने काम से फ्री होकर अगर देखना चाहे तो वो क्या करना पसंद करेगी, अपने घर में रहना पसंद करेगी। तो इसकी ये भी एक विशेषता होती है, स्त्री लिंग की ये भी एक प्रमुख विशेषता होती है कि महिला प्रमुख ने कहाँ रहना पसंद करती है, घर में, घर में रहना, घर में रहना पसंद करती है। ये इनकी एक स्वभाव है, यानी कि हम देखते हैं कि
जहाँ पुरुष अपना कार्य करके भी बाहर घूमना पसंद करता है, लेकिन अगर हम कहें स्त्री के लिए तो वो अपने काम से निवृत्त होकर वो चाहे वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, वो दोनों कहाँ रहना पसंद करेंगे? घर के अंदर। हम देखें क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके स्वभाव में है। हम कहते हैं कि ये दोनों हमारी जो जीवन के जो हमारी हमारी गाड़ी है उसके दो पहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुष जहाँ जहाँ ये मानते हैं कि पुरुष हमारे हमारे लिए धन अर्जित करते हैं, तो स्त्री के लिए हम कहते हैं कि वो घर को घर चलाती है। तो घर चलाने में घर को मैनेज करते हैं, अपना घर परिवार को संभालना, ये उनकी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के साथ साथ वो उनके स्वभाव में भी आ जाती है। जहाँ हम देखते हैं आज स्त्री भी पुरुष के बराबर का उनके जो कमाने में उनकी सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी काम करने के साथ साथ वो अपने परिवार को भी संभालती है। यानी कि ज्यादा जिम्मेदारी किस पर होती है? स्त्री पर। अगर वो कमा भी रही है, कमाने के साथ वो अपने परिवार को भी चलाती है। इसीलिए ये उनके स्वभाव में बन जाता है कि वो अगर अपना कार्य संपन्न करती है, कार्य संपन्न करने के बाद में वो कहाँ रहना पसंद करेंगी? अपने घर में। तो ये उनके स्वभाव में होता है। सबसे पहली विशेषता हम कहेंगे कि घर में रहना पसंद करती है। सेकंड है, इनके समय के साथ साथ अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। समय के अनुसार वह परिस्थिति के अनुसार अपने आप को या स्वयं को, हम यहां लिख सकते हैं स्वयं को, अपने आप को या स्वयं को स्वयं को ढालने की क्षमता रखती है। कौन रखता है? स्त्री। यानी हमने देखा है कि जब जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो ये हमारी स्त्री की स्त्रियों की पहचान होती है, वो उसी के अनुरूप ढल जाती है। हमने देखा है कि जब लड़की अगर शादी करके, कहते हैं ना कि लड़की को शादी के बाद या स्त्री को दो घर चलाने होते हैं, वो दो घर को मैनेज करती है, दोनों की परिस्थितियों के अंदर मैनेज करती है। तो ये तो उनकी क्षमता में ही होता है। कहते हैं कि ऐसी शक्ति किसको प्रदान होती है? स्त्रियों को। यानी कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेते हैं। हम देखते हैं कई बार जब हमें परिवार दो परिवार मिलते हैं, तो कई बार जब बच्ची लड़की की शादी होती है, तो हमने देखा है कि दोनों परिवारों में कितना अंतर होता है, चाहे वो रहन सहन से हो, खान पान से हो, उनके जीवन यापन करने का तरीका हो, लेकिन फिर भी क्या करती है लड़की? उस चीज को उस अनुरूप वो ढलने की कोशिश करती है। तो उसके लिए कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है, ये उनके अंदर एक क्षमता होती है। क्या ये क्षमता पुरुष में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। ये चीज कहते हैं कि ये एक स्त्री के अंदर ही होती है, जो वो निभा सकते हैं। वो अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार वो ढलने की कोशिश करती है, और उस चीज को वो समझती है। और ये क्षमता ऑनली किसके अंदर होती है? ये शक्ति किसके अंदर होती है? स्त्री के अंदर। तो यहाँ बताया कि समय के अनुसार वह परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता कौन रखता है? स्त्री रखती है। थर्ड है हमारा इसमें कि इनमें कौन सी भावना होती है? सहयोग की भावना सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? स्त्रियों के अंदर। भाईचारे की जो भावना होती है, सहयोग की जो भावना होती है, वो भावना अधिक होती है। सहयोग की भावना अधिक होती है। यानी कि बताया था ना कि मैनेज करती है, श्रम को ढालती है, तो वही सहयोग करने की भावना होती है। परिवार को जब इन्हें चलाना होता है, तो ये प्रत्येक परिवार के सदस्य से अपने आप को उसमें सामंजस्य बिठाते हैं,
सहयोग करती है, तो इसके अंदर एक सहयोग की भावना, हमारे स्त्री लिंग की एक पहचान होती है, उनके अंदर ये गुण होता है, ये विशेषता होती है कि वो परिवार को चलाने के साथ साथ वो हर जगह एक सहयोग के आधार पर कार्य करती है, सामंजस्य बिठाकर कार्य करती है, जिससे कि उस कार्य को और प्रभावी बना सके। तो ये भी स्त्री लिंग की एक विशेषता होती है। फिर है हमारा महिलाओं में परिवार व बच्चों की देखभाल करना और उनका पालन पोषण करने की विशेषता भी होती है। यानी कि अपने अगर हम देखें तो वो एक जिम्मेदार होती है, देख रेख करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? स्त्री पर। इसीलिए हमारे जो परिवार को जो पालने पोषने का कार्य होता है वो किसको मिलता है? स्त्री को। अगर हम देखें तो वो कार्य पुरुष को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पुरुष के अंदर वो विशेषता नहीं पाई जाती या हमारे वो पेशेंस नहीं होता है जिससे कि वो परिवार में घर या परिवार का पालन पोषण कर सके। वो मात्र एक हमारे आर्थिक सहायक होते हैं, जो कि हमारे कहते हैं कि हमारे लालन पालन के लिए जो हमारा खर्चा होता है वो वहन करते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता कौन है? वो कार्य करते हैं घर की स्त्रियां। ये उनके लिए एक उनका गुण होता है और ये गुण किस में पाया जाता है? स्त्रियों में। तो थर्ड हम देखें कि वो क्या करते हैं, देखभाल का जो गुण होता है उनमें, बच्चों की देखभाल, परिवार की आदि क्या क्या करती है, वो देखभाल करती है। ये गुण भी उनके अंदर पाया जाता है, किस तरीके से परिवार को चलाना है, उनकी देखभाल परिवार के प्रत्येक सदस्य का। कहते हैं कि जहां हमारे बच्चों के साथ साथ स्त्री को इतना अपने मैनेज करना होता है कि उन्हें प्रत्येक अपने परिवार के सदस्यों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, प्रत्येक जिम्मेदारी हम देखते हैं, खाने से लेकर जो हम कार्य करते हैं वो सारा कार्य स्त्री पर होता है। किस तरीके से हमें खाना बनाकर देना है, किसको क्या पसंद है, किसको, ये हमें प्रत्येक ये जिम्मेदारी होती है, ये परिवार की जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को कौन निभाते हैं? स्त्री निभाती है। लास्ट में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्त्रियां कैसी होती हैं? परिश्रमी होती हैं। परिश्रमी होने के साथ साथ उनके अंदर एक शिष्टाचार का गुण भी होता है। कैसी होती हैं? परिश्रमी होती हैं तथा शिष्टाचार का गुण भी होता है। शिष्टाचार का गुण किसके अंदर पाया जाता है? स्त्रियों कहते हैं ना कि स्त्री कैसी होती है, नम्र होती है, विनम्र होती है, जिसे हम कहें कि करुणा और दया का जो स्वरूप है वो कौन है? स्त्री होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनके जो शिष्टाचार का गुण भी किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में, और वो सबसे ज्यादा परिश्रमी होती है। हम देखते हैं, अगर हम देखें कि जहाँ पुरुष अपना एक टाइम फिक्स होता है कमाने का, उन्हें 8 से जो इवनिंग 5 तक ड्यूटी करनी होती है, 9 से 4 ड्यूटी करनी होती है, क्या हमने ये चीज देखी है कि एक स्त्री जो अपने घर का काम करती है क्या उसका कोई समय होता है? नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि स्त्रियां बहुत परिश्रमी होती हैं, तुलना में किसके? पुरुष के। जहां पुरुष ओनली हमारे बाहर की जिम्मेदारियां, अपना आर्थिक कार्य करते हैं, लेकिन स्त्री अगर वो वर्किंग वुमेन भी होगी तो वो अपने कार्य के साथ साथ अपने परिवार का कार्य भी संभालेगी। तो परिश्रमी कौन ज्यादा हुई? स्त्री। तो कहते हैं कि स्त्रियां परिश्रमी होती हैं और शिष्टाचारी होती हैं, वो सबके साथ शिष्टाचार का भाव दिखाती हैं, ये उनके गुण की एक पहचान होती है। फिर होता है स्त्रियां निस्वार्थी होती हैं, निस्वार्थ प्यार करती हैं, जिसमें हम कहें स्त्रियां निस्वार्थ होती हैं। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि माता अपने जो अपनी संतान होती है क्या उससे कोई स्वार्थी अपेक्षा करती है? हमने देखा है कि जब वो अपने जब अपनी संतान को जन्म देती है तो खुद गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाती है। जब एक बच्चा छोटा होता है और जब वो
रात में अपने बिस्तर गीले करता है तो क्या होता है, वहां से माँ अपनी संतान को सूखे में सुलाती है और खुद वहां गीले में सोती है। क्या इसमें हमारा कोई स्वार्थ छिपा हुआ होता है स्त्री का? नहीं, वो निस्वार्थ होकर अपनी संतान को कोई कष्ट नहीं देना चाहती, इसीलिए वो क्या करती है, उसे सूखे में सुलाती है। तो यही कहा जाता है कि स्त्री निस्वार्थ होकर प्यार करती है, यही चीज अपने परिवार का जो वो देखभाल करती है, क्या उसमें उनका कोई स्वार्थ छुपा हुआ होता है? नहीं होता। अपने जहां अपने पति का वो ख्याल रखती है वहां उनका स्वार्थ होता है? नहीं होता है। अपनी संतान का ध्यान रखती है वहां उनका स्वार्थ होता है? नहीं। तो यही बताया है कि स्त्रियां निस्वार्थ होकर प्रेम करती है, वो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को निस्वार्थ होकर उनकी देखभाल भी करती है और उनका ध्यान रखती है। फिर है स्त्रियां भौतिकवादी विचारधारा की होती है। स्त्रियां भौतिकवादी विचारधारा की होती है। ये भी एक गुण पाया जाता है, यानी कि हम देखते हैं स्त्रियों में ये चीजें होती है, उनके आसपास में क्या हो रहा है ये उन चीजों का ध्यान रखते हैं। हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, या हमारे आस के वातावरण में हमें क्या चाहिए, हमारे जो आज का समय है वो क्या मांगता है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए कहते हैं कि भौतिकवादी विचारधारा की होती है स्त्रियां, उनकी उस चीज को वो अपने आसपास होने वाले भौतिक वातावरण में, अपने आसपास में होने वाली सभी घटनाओं का वो ध्यान रखती है, उन आवश्यकताओं का वो ध्यान रखती है। तो इसलिए कहा जाता है स्त्रियां सबसे ज्यादा भौतिकवादी विचारधारा की होती है। फिर है स्त्रियां पुरुषों के अधिक, पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, वो जो दयालु होती है, सद्भावनापूर्ण होती है। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक दयालु और सदाचारी, यानी कि वो उनसे सबसे ज्यादा सद्भावना, जिसे हम कहते हैं ना कि सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने वाली, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने वाली होती है। यानी कि ये दया, ये तो मैंने बताया था कि पहले ये एक स्त्री का अजा कहते हैं ना कि नारी के स्वभाव में ही होता है, दया प्रेम और करुणा, ये उनके एक सद्भाव गुण जो व्यवहार होता है, सबके प्रति शिष्टा का सम्मान का वो व्यवहार करती है, ये हमारे नारित्व की एक पहचान होती है। करुणा दया ये हमारे नारित्व की एक पहचान होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में स्त्रियां कैसी होती है, दयालु भी होती है और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने वाली भी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, जो नेक्स्ट है हमारी इसकी विशेषताएं, वो है स्त्रियों में सहनशीलता और गहनशीलता जैसी विशेषता भी पाई जाती है। यानी कि स्त्रियां कैसी होती है, सहनशील व ग्रहणशीलता का गुण भी पाया जाता है। इनके अंदर ये गुण पाया जाता है, स्त्रियां कैसी होती है, सहनशील होती है। हमने देखा है परिवार में अगर उन्हें बड़े कुछ कहेंगे तब भी सुनती है, माता कुछ कहे तो सुने, पिता कहे तो सुनती है, भाई कहे तो सुने, यानी कि सबसे ज्यादा पेशेंस रखती है, सहन करती है, वो कौन करता है, स्त्रियां। कहते परिवार को चलाने में अहम भूमिका होती है स्त्री की, अगर जितना वो सहन करेगी अपने परिवार को जोड़ के रखती है, तो वही कहते हैं कि क्या ये जो सहन करने का
मैंने पहले भी बताई थी कि पुरुष स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। जो स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे क्या वो सहन करना पसंद करेंगे? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री सहन करती है, ग्रहण करती है, ग्रहण भी करती है सुनकर देखकर कि उसे क्या करना है, और वो सहन भी करती है। तो सहनशीलता का जो गुण है वो किस में पाया जाता है? स्त्री में। हम कहें कि जो मित्रवत व्यवहार, मित्रवत व्यवहार कौन करता है? स्त्रियां। किंचेतर एक मित्रवत व्यवहार की व्यवहार का गुण भी पाया जाता है। व्यवहार का गुण भी पाया जाता है। सबसे वो मित्रत व्यवहार करती है। साथ में इनमें एक गुण एक और होता है, ये कूटनीति भी अच्छी जानती है। मित्रवत के साथ साथ ये कूटनीति भी जानती है। ये गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। स्त्री के लिए कहा जाता है कि स्त्री सामने ना करके वो एक कुटिल चाल चलती है जिसमें कूटनीति होती है। ये गुण भी किसमें? ये गुण पुरुष में नहीं, ये किसमें पाया जाता है? स्त्री में। अब हम चाहे इसे गुण मांगने या गुण, तो ये जो कूटनीति का गुण होता है वो भी स्त्री में पाया जाता है। तो ये हमारी विशेषताएं थी किसकी? जो हमारे स्त्री लिंग की, जो हमारे नारित्व की जो विशेषताएं हैं वो है हमारी ये कि घर में रहना पसंद करती। स्त्री लिंग का भी बोल सकते हैं इसे, या हम नारित्व का भी बोल सकते हैं कि नारित्व की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये कि घर में रहना पसंद करती है, समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखती है, और सहयोग की भावना अधिक होती है, बच्चों की देखभाल, परिवार का ध्यान, जिम्मेदारियां कौन रखती है? स्त्री। फिर हम देखें परिश्रमी भी अधिक होती है, साथ में इनके अंदर शिष्टाचार का गुण भी होता है। एक ये निस्वार्थ होती है, निस्वार्थ प्यार करती है, जो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ यानी कि सबसे जिसमें उनका कोई खुद का स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता, निस्वार्थ होकर वो अपने परिवार के सदस्य, अपनी संतान, इनसे वो प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। फिर है स्त्रियां भौतिकवादी विचारधारा की होती है। स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा अधिक दयालु, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने वाली होती है। स्त्रियां सहनशील और गहनशीलता का गुण भी इनमें पाया जाता है। फिर है मित्रत्व का व्यवहार भी वो रखती है, और लास्ट की ये कूटनीति भी जानती है। ये हमारे स्त्रीलिंग की विशेषताएं थी। धन्यवाद।